Hey guys, this is Kamal Chauhan and you're watching the Mouth Muscle. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू डू बाइसेप कर्ल। हमें बाइसेप कर्ल किस तरह से परफॉर्म करनी है और ये किस मसल ग्रुप को टारगेट करता है, और साथ ही साथ वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ एक क्विक टिप जिससे आप अपना बाइसेप ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो बाइसेप कर्ल जो एक्सरसाइज है वो हमारे बाइसेप एरिया को टारगेट करती है, यानी कि बाइसेप ब्रैकियाई, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियाडलिस। लेकिन जो हमारा प्राइमरी मसल ग्रुप है वो है बाइसेप ब्रैकियाई, यानी जो पीक वाले एरिया। ऑलराइट, तो बाइसेप कर्ल को परफॉर्म करने के लिए आपको एक बारबेल की जरूरत पड़ेगी, या पे आप एक स्ट्रेट बार का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिस्ट में प्रॉब्लम है तो आप एक ईजी बारबेल का यूज करें, क्योंकि एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है रिस्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है। एक शोल्डर विड्थ अपार्ट आपको अपनी फुल प्लेसमेंट रखनी है और बारबेल को ग्रिप करना है। यहाँ पे आप अपनी लैट्स का यूज कर सकते हैं अपनी आर्म को लॉक करने के लिए। बारबेल को ग्रिप करना है एंड देन दिस, इस पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको अपनी एल्बो को लॉक नहीं करना, हल्का सा एक एंगल बना के रखना है ताकि टेंशन आपकी बनी रहे आपके बाइसेप में। ओके, एंड देन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको अपनी बाइसेप को आइसोलेट करना है। यहाँ पे आप अपनी एल्बो का हल्का सा मूव भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं। अगर आप इतना मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप अपनी फोरआर्म को इस एंगल 90 डिग्री एंगल पर मूव करते हैं तो आपके बाइसेप एरिया से टेंशन हट जाएगी। तो एक हल्का सा एंगल बनाए रखिए ताकि टेंशन मेंटेन रहे आपके बाइसेप एरिया में। ऑलराइट, दिस पोजीशन, यहाँ से आपको अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड देन रिलीज। राइट, तो आपको बारबेल को ग्रिप करना है, शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट, चेस्ट अप, कोर टाइट एंड देन परफॉर्म। यहाँ पे आपको अपने टेम्पो को स्लो रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन मेंटेन कर सके अपने बाइसेप में। स्लो 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 एंड देन ओके। तो आपको ब्रीदिंग किस तरह से करनी है, जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ब्रीद आउट करना है, जब मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ब्रीद इन। जैसे अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम इन गलतियों को दोहराते हैं। ओके, तो पहली कॉमन मिस्टेक है एक कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा ना होना, और उसके बाद दूसरी कॉमन मिस्टेक है ईगो लिफ्टिंग करना। ईगो लिफ्टिंग यानी कि औकात से ज़्यादा वेट उठाना, जिसमें आपकी ना फॉर्म सही हो, ना पोस्चर सही हो, और ना ही टारगेटेड मसल पर टेंशन बिल्डअप हो पाए। ओके, तो थर्ड कॉमन मिस्टेक है एक्सरसाइज के दौरान जर्क करना। दिस, तो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन रखनी है, पोजीशन को होल्ड करना है एंड देन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ऑलराइट, तो कुछ लोग यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम उनका फोर आर्म टारगेट यानी कि फोर आर्म गिव अप हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब भी लोग बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो अपनी रिस्ट को कर्ल कर लेते हैं, जिससे आपका फोर आर्म भी ट्रेन हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको अपनी रिस्ट को एक लाइन में रखना है जिससे आपका फोर आर्म ट्रेन ना हो। ऐसे लोग क्या करते हैं कि यहाँ लाकर इस तरह से मूव कर लेते हैं जिससे आपकी टेंशन आपके फोरआर्म में आए, तो इस तरह से नहीं करना है। अपनी रिस्ट को एक एंगल में रखना है इस स्टेट। ऑलराइट गाइस, तो बाइसेप को ग्रो करने की क्विक टिप ये है कि कोई भी क्विक टिप नहीं है। आप बाइसेप के लिए जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें उसे सही तरीके से परफॉर्म करें और सही तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहें। आप एक्सरसाइज को गलत परफॉर्म करते इसीलिए आपका बाइसेप ग्रो नहीं होता, और साथ ही साथ अपने न्यूट्रिशन पर भी ध्यान रखें। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपका इस एक्सरसाइज या फिर किसी और एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।